हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ निदा और मैं आज आप सभी को बताऊंगी घर पर आसानी से प्रेगनेंसी टेस्ट करने का तरीका। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है वो पल उसके लिए बेहद ज़्यादा खुशी के होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम हमारा होता है पीरियड्स का मिस हो जाना। अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं तो आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप फिर उसके बाद टेस्ट लगाती हैं। तो घर में भी आप टेस्ट कर सकती हैं, आप लैब से भी टेस्ट, सीजी टेस्ट करा सकती हैं, घर में किट से आप टेस्ट कर सकती हैं, लेकिन घरेलू तरीके से भी आप आसानी से टेस्ट कर सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज इसमें बताने जा रही हूँ कि घर में आप आसानी से एक मिनट में कैसे पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर एक हार्मोन बनता है HCG। HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो जब ये हार्मोन यूरिन में आने लगता है तो आप आसानी से टेस्ट करके पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं टेस्ट करके दिखा रही हूँ, ये टेस्ट आपको पीरियड मिस होने के एक हफ्ते के बाद करना है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। हमने लिया है इसमें मॉर्निंग यूरिन सैंपल और सोडा, बेकिंग सोडा सभी के घर में मौजूद होता है, इससे आप आसानी से टेस्ट लगा सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास मॉर्निंग यूरिन सैंपल हो गया और सोडा हो गया। अब हम इससे टेस्ट कैसे करेंगे ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास बेकिंग सोडा है, इसको हमें ये देखिए इतना लेना है और इसको हमें यूरिन में डाल देना है। ये देखिए, बेकिंग सोडा डालते ही ये देखिए इस तरीके का आपका हो जाएगा। इसका मतलब है ये टेस्ट पॉजिटिव है। ये आप देख पा रही हैं, अगर इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है तो टेस्ट नेगेटिव होता है। तो आप आसानी से पता लगा सकती हैं आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो देखिए ये टेस्ट पॉजिटिव है। ये देखिए बिल्कुल इसमें झाग इस तरीके के हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर इसमें झाग नहीं होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो टेस्ट नेगेटिव है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।